बिहार में आजादी से लेकर अब तक कई नेता मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन बिहार में आज तक केवल एक ही महिला मुख्यमंत्री हुई, जिनका नाम है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी लालू यादव की धर्मपत्नी। बिहार की मुख्यमंत्री बनते ही राबड़ी देवी ने बिहार की राजनीति में इतिहास रच दिया था। दो बार राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और राबड़ी देवी के बाद राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन राबड़ी देवी का चयन कैसे हुआ? क्या राबड़ी देवी अचानक बिहार की मुख्यमंत्री बन गई, या फिर उसके पीछे लालू प्रसाद यादव की और उनकी पार्टी की कोई प्लानिंग थी? इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको राबड़ी देवी के एक आम घरेलू महिला से रातों रात मुख्यमंत्री बन जाने का किस्सा सुनाते हैं। 1997 में राबड़ी देवी का बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की सबसे चौंकाने वाली घटना थी। राबड़ी देवी के यूं अचानक इस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर दो अवधारणाएं, या फिर यूं कहिए कि दो तरह की कहानियां राजनीतिक गलियारों में सुनाई जाती है। एक तो ये जो अक्सर लोग कहते सुनते हैं, और एक वो जो लालू यादव ने अपनी किताब में खुद बयान की। तो पहली अवधारणा या पहली कहानी के मुताबिक ये माना जाता है कि लालू यादव को जब यह महसूस हुआ कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तो आनन फानन में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी कुर्सी सौंप दी, जो उसके पहले राजनीति का शायद क ख ग भी नहीं जानती थी। केवल एक गृहिणी के तौर पर और लालू यादव की पत्नी के तौर पर उनकी पहचान थी। उनके बारे में कहा जाता था कि जब उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा गया तो उन्हें राजनीति का ABC तक नहीं पता था। अब लालू यादव अपनी आत्मकथा में राबड़ी देवी को बतौर मुख्यमंत्री चुने जाने के बारे में कुछ और ही किस्सा बताते हैं। लालू यादव की आत्मकथा है गोपालगंज से रायसीना, मेरी राजनीतिक यात्रा। इस किताब में उन्होंने राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी पूरे विस्तार से बताई है। और किताब के मुताबिक यह बात तो बिल्कुल सच नहीं है कि जब 1997 में लालू प्रसाद यादव को अपनी गिरफ्तारी तय दिखने लगी तो उन्होंने आनन फानन में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। इस किताब में लालू यादव लिखते हैं कि लालू यादव को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव असल में कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उस समय दिया था। लालू यादव के शब्दों में कहें तो वो अपनी किताब में लिखते हैं, ये वही थे जिन्होंने मुझे निजी तौर पर सुझाव दिया कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकती हैं। मुझे उनके सुझाव पर हंसी आई थी। अब एक तरफ तो लालू यादव ये कहते हैं कि सीताराम केसरी के सुझाव पर उन्हें हंसी आई थी, फिर दूसरी तरफ इसके बावजूद राबड़ी देवी का नाम बतौर मुख्यमंत्री तय करने पर वो कैसे तैयार हो गए, इसके बारे में भी लालू यादव ने अपनी किताब में लिखा है। वो लिखते हैं, 24 जुलाई 1997 की शाम को अपने आधिकारिक निवास पर RJD विधायक दल की एक बैठक मैंने बुलाई और घोषणा की कि मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं आप सभी को संकट के समय में एकता बनाए रखने और अगले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पसंद के नेता का चयन करने का अनुरोध करता हूं। अब लालू यादव के मुताबिक उन्होंने राबड़ी देवी या किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम इस बैठक में CM पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया था। उनके मुताबिक मीटिंग में उनकी इस बात के बाद से कुछ देर के लिए एकदम से सन्नाटा छा गया। फिर उनके मंत्री स्तरीय सहयोगियों, जिनमें उनके बेहद करीबी रहे रघुवंश प्रसाद सिंह, रघुनाथ झा, जगदानंद सिंह और महावीर प्रसाद ने अचानक से राबड़ी देवी के नाम का प्रस्ताव आगे कर दिया। लालू के मुताबिक इस बात की जांच उस समय बैठक में शामिल हुए लोगों से की जा सकती है। सभी विधायकों ने एकजुट होकर राबड़ी देवी के नाम पर सहमति दी और लालू यह भी कहते हैं कि राबड़ी देवी तो उस बैठक में थी ही नहीं, वो इस बैठक की पूरी गतिविधि से एकदम अनजान थी। खैर, इसके बाद क्या हुआ ये तो सब जानते हैं। लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में गिरफ्तारी के चलते अपनी कुर्सी छोड़ी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी घर की रसोई से निकलकर सीधे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गई।